व्यूअर्स, हम इस वक्त ओएम के अदारे में मौजूद हैं और जैसा कि चंद बहनों से मैंने पहले मुलाकात की और आप लोगों ने जाना कि वो ओएम में किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, तो इस वक्त हम एक भाई के पास मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका नाम क्या है। मेरा नाम आसफ गुलाम है और मेरा ताल्लुक यू जर्सी है और काफ़ी सालों से मैं ओएम में खिदमत कर रहा हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। पीपीसी टीम इस वक्त आपके इदारे में मौजूद है और आप किस तरह से क्रिसमस के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं और आपकी ओएम में खिदमत क्या है, इसके हवाले से थोड़ा सा अपने बहन भाइयों को बताइए। क्रिसमस के हवाले से ये सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि सब घरों में यूजुअल जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं और सेलिब्रेटिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ कपड़े पहनना नहीं बात है, लेकिन ये एक बड़ी अहम दिन है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। उसके ख़ास मकसद हैं इस दुनिया में आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो मकसद जो ना हमको याद रख सकें, तो ये इसकी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं जी। तो ओएम के अदारे में रहते हुए आपका मेन काम क्या है या किस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं खुदावंद की? मेरा बेसिक जो काम है वो खादमों की खिदमत करना, तो ये मेरा काम है। और अगर रैंकिंग के लिहाज जाएँ तो वो कुछ और है, लेकिन मेरा बेसिक मकसद यही है कि खादमों की खिदमत की जाए। बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि आप खुदावंद की जो बादशाहत है उसमें आप एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हमें जो यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद था उसको याद रखना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको और वाजिया करेंगे कि क्लीसिया को आप या बहन भाइयों को, वो जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको ये मैसेज दे सकें कि यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि किस तरह से इस खुशी के मौके पर सब बहन भाई उन लोगों तक पहुंच सकते हैं या किस तरह से दूसरे लोगों को इस खुशी के मौका में शरीक कर सकते हैं, या कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरी तरफ से मैसेज तो सबसे बड़ा यही है कि जो क्रिसमस की खुशी है सिर्फ यीशु मसीह की पैदा होने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं और काश के हम सब लोग इसको जान पाएँ। मेरा तो ये होगा कि जितनी ये इसकी यीशु मसीह की पैदाइश की जो खुशखबरी का जो मकसद है जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ मैं पहुँचाऊँगा। और मेरी कोशिश इस महीने में जो है, जो हमारे जो ख्वाजा सराह लोग हैं, मेरा बोझ है उनके लिए कि मैं उनको ये खुशखबरी बताऊं। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं मैं चाहता हूं कि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें और यीशु मसीह की पैदाइश को जान सकें। बहुत शुक्रिया भाई आसफ जी। व्यूअर्स, तो हमने भाई से जाना है कि वो हम सब की ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को इस खुशखबरी के कलाम को बता सकें कि यीशु इस दुनिया में क्यों आए, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह एक निजात दहिंदा के तौर पे इस दुनिया में आए हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बहन भाइयों तक पहुँचें जो शायद ये हमसे सवाल करते हैं कि आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम उन्हें बता सकें कि यीशु एक निजात दहिंदा के तौर पे इस दुनिया में आया, जिसने तमाम दुनिया के लिए अपने आप को पेश कर दिया ताकि जब जो कोई भी उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। और उसकी इस पैदाइश को हम सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में, तो ये हम सब के लिए चैलेंज है एज ए क्लीसिया कि हम उन बहन भाइयों तक पहुँचें। और ख़ुद से हमें इंटेंशनली इस पे काम करना है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, तो हम ज़रूर ये जहन में रखें कि हमें ऐसे लोगों को बताना है कि क्रिसमस हम मनाते क्यों हैं और इसकी वजह क्या है और कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम इस मौके पे हुआ, एक निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशखबरी, खुशी को हम मनाते हैं, तो वो हमें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, इस बहुत बड़े भेद को शेयर करना है दूसरे लोगों तक। जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि मैंने जो ख्वाजा सराहों की बात की है, जो लोग मोस्टली इनको हकीर जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो महीना मैं इनके लिए मखसूस किया कि मैं जितने भी ख्वाजा सराह लोग हैं उनको ये खुशखबरी दे सकूँ। और आप उस खुशी में जो लोग रिजेक्ट किए जाते हैं मैं कहता हूँ उसमें शामिल हो सके। तो थैंक यू। थैंक यू, ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है कि ऐसे लोग जो रद्द किए हुए हैं हम इस खुशी के मौके में उन तक पहुँच सकें
और उनको भी इस खुशखबरी की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन जो है इसमें शामिल करने के लिए उनको एक खुशी जो है वो सुना सकें कि यीशु दुनिया में आए हैं।